सभी के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ मैं एक अनोखा ब्लूटूथ स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास है एरोमा स्टूडियो 3, ये वाला ब्लूटूथ स्पीकर देखने के लिए कुछ अलग टाइप का है। इससे पहले मैंने जो बोट का स्पीकर अनबॉक्सिंग किया था उसमें मैंने बोला था कि ये थोड़ा व्हील की तरह दिखता है, कार का जो पहिया है, लेकिन ये बिल्कुल ही कार का पहिया की तरह ही नहीं, उसके सेम टू सेम डिजाइन में ये बनाया गया है। जैसे एलॉय होता है, ये वाला एलॉय का डिजाइन है और एरोमा की ब्रांडिंग बीच में रखा गया, और ये जो है ग्रिल जो है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये मेटल का गिल नहीं है, थोड़ा सा पतला मुझे लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसको दबाएंगे तो ये थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन अच्छा खासा फिटिंग के साथ काफी कुछ ये बिल्कुल एलॉय की तरह दिखते हैं। और साइड में जो दिया गया है बिल्कुल रबराइज्ड है, रबर की तरह डिजाइन किया गया है, लेकिन ये है प्लास्टिक मेटल का, जो आप लोग आवाज सुन सकते हैं इसका। और पीछे में दिया गया है बेस रेडिएटर, काफी तगड़ा बेस होने वाला है, बिल्कुल व्हील की तरह ये स्पीकर दिखता है एरोमा स्टूडियो 3। और ये इसको ऐसे हैंग करके आप लोग ले जा सकते हैं। पीछे के साइड में दिया गया है ऑफ ऑन का स्विच, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं, और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग टाइप सी आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो कीमत है वो बहुत कम है, 500 में ये स्पीकर आ जाता है। तो आप लोग इस कम दम में इतना खूबसूरत सा स्पीकर आप लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पे जो साइड में दिया गया है इसका कंट्रोल, वॉल्यूम प्लस माइनस और प्ले पॉज का बटन आप लोग देख सकते हैं, दिखने के लिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये वाला स्पीकर मुझे पसंद आया, तो सोचा मेरे सब्सक्राइबर के लिए ये वाला स्पीकर का अनबॉक्सिंग वीडियो एक हो जाए, तो इसी बात पर हो जाए एक लाइक। और यहाँ पे आप लोग को दिया जा रहा है रबर पैडिंग अच्छा खासा ग्रिप बनने के लिए, तो इसको ऐसे आप लोग रख पाएंगे, कहीं पर भी अगर रखना है तो इस तरीके का ये सरफेस में अपना मजबूती बना लगा। और यहाँ पे एरोमा की ब्रांडिंग, इसको हटा के आप कोई कार का ब्रांडिंग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो आप लोग के ऊपर में छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे बेस रेडिएटर काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, ये वाला है इसका बेस रेडिएटर। तो ये एरोमा एक ब्रांडेड कंपनी है, जो पहले भी इसका मैंने अनबॉक्स किया है, और एक ज़माने में ये मोबाइल भी मतलब मैन्युफैक्चर करता था। और यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, इसका स्पेसिफिकेशन जो है, इसका 5 वाट का स्पीकर है, स्पीकर साइज भी काफ़ी अच्छा है, 11x11 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे स्पीकर साइज कंपनी क्लेम करता है। बॉक्स में 1200 mAh का यहाँ पे बैटरी है, जो 6 आवर्स का नॉर्मल साउंड में आप लोगों का बैटरी बैकअप आप लोग को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा फास्ट चार्जर भी यहाँ पे होता है, 2 एम्पियर तक आप लोग शायद लगा पाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 1 एम्पियर चार्जर आप यूज़ कीजिए, 2 घंटे में यह फुल चार्ज हो जाता है, ताकि आप लोग ज़्यादा फास्ट, आजकल का जो मोबाइल का चार्जर है उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ऐसा वाला चार्जर यहाँ पे मत यूज कीजिए। और दिखने के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खासा बेस रेडिएटर दिया गया है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा बनाया, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी कैसा होगा वो आप लोग जानेंगे थोड़ी ही देर में। तो फिर चलिए साउंड टेस्ट इसका करते हैं। कैसा लगा इस स्पीकर का नीचे कमेंट में जरूर से बताइए, अपना अपना राय जरूर से लिखिए। और मेरा राय बताऊं तो मेरा ओपिनियन जो है इस स्पीकर को, बेस काफी अच्छा है, बेस काफी तगड़ा वाला है, और यहाँ पे जो बेस रेडिएटर है जिसकी वजह से आप लोगों को बेस में मजा आने वाला है, और बेस के जो दीवाने हैं वो डायरेक्टली इस स्पीकर को ले सकते हैं। कीमत है इसका 500, और आप लोग ऑनलाइन में चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। और नॉर्मल साउंड सुनने के लिए मैं ये बोलूँगा कि अगर फुल वॉल्यूम कटे थोड़ा सा ट्रिबुल में कान दर्द होता है, थोड़ा दूर जाके इसको सुनना पड़ेगा, पास में अगर सुनते हैं फुल वॉल्यूम में तो आप लोगों को थोड़ा सा कान में दर्द होगा, यानी कि फुल साउंड में ये थोड़ा सा नॉइजी सा बन जाता है, लेकिन नॉर्मल साउंड पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी ओवरऑल स्पीकर का डिज़ाइन तो मुझे बहुत पसंद आया, उसके साथ साथ अच्छा वाला बेस भी आया, जो एक्सट्रीम बेस में उनमें भी मैंने इसको ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा ये मतलब इसको सह लिया था बेस को, तो ठीक ठाक लगा। कीमत के हिसाब से बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत है, आप लोग देख सकते हैं कितना मजबूत है ये वाला स्पीकर, ऐसा नहीं है कि कुछ टूट जाए कुछ हो जाए, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कितना मजबूत इसको बनाया गया है। तो यहाँ से मैं इसको दिखा रहा हूँ, तो हर तरह से ये मजबूत है, किस थोड़ा आवाज़ करता है लेकिन ये नॉर्मल है, ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा ये स्प्लैश प्रूफ भी है, डायरेक्टली वाटर प्रूफ नहीं है क्योंकि इसका कीमत थोड़ा कम है, थोड़ा सा पानी वानी की बूंद अगर गिर जाए बारिश शुरू होने से टाइम में तो ये ख़राब नहीं होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करके जाइए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट हमको भी करके जाइए। फिलहाल बाय बाय सबको, जय हिंद।